हेलो दोस्तों, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़कों को देखकर लड़कियां ये गंदी बातें ज़रूर सोचती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जिस तरह से ज़्यादातर लड़के किसी सुंदर लड़की को देखकर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि लड़की सिंगल है या इसका बॉयफ्रेंड है, कितने लड़कों के साथ इसका रिलेशनशिप है, तो इस तरह से ठीक इसी तरह से लड़कियां भी लड़कों के बारे में या किसी लड़के को देखकर उनके बारे में गंदी बातें सोचना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का उनके पास से गुजरता है या वो किसी हैंडसम लड़के को देखती हैं तो उस लड़के के बारे में ये गंदी बातें सोचना शुरू कर देती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि लड़के को देखकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचना। दोस्तों, जिस तरह से ज़्यादातर लड़के किसी लड़की को देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचते हैं या उसे कैसे इम्प्रेस करें इसके बारे में सोचते हैं, ठीक इसी तरह से लड़कियां भी ज़्यादातर ऐसा सोचती हैं। जब वो किसी हैंडसम लड़के को देखती हैं या कोई लड़का उनके पास से गुजरता है और वो लड़का उन्हें पसंद आ जाता है, तो ऐसे में ना वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचती हैं या उसे अपना रिलेशनशिप शुरू करने के बारे में सोचती हैं कि काश उनका बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही हो या उनका जो बॉयफ्रेंड बने तो उसके अंदर ये सभी चीज़ें हों। ठीक है, इस तरह से लड़कियाँ भी सोचती हैं, पर क्या है, लड़कियाँ कभी भी किसी से ये बातें शेयर नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है कि लड़के को देखकर उसे अपने बॉयफ्रेंड से कंपेयर करना। दोस्तों, ये काम ना लड़कियाँ ज़्यादातर लड़कियाँ करती हैं, क्योंकि मोस्टली लड़कियों का नेचर ऐसा होता है कि उन्हें आप कितनी भी अच्छी चीज़ लाके क्यों ना दे दो, कितनी भी ब्यूटीफुल सुंदर चीज़ लाके क्यों ना दे दो, लेकिन फिर भी वो लड़कियाँ ना उसमें कमी निकाल ही देंगी। ठीक है, तो इसी नेचर की वजह से जब वो किसी हैंडसम लड़के को देखती हैं तो उसे देखने के बाद वो उस लड़के को अपने बॉयफ्रेंड से कंपेयर करना शुरू कर देती हैं कि क्या उनका बॉयफ्रेंड ऐसा है या क्या लड़का उनके बॉयफ्रेंड से स्मार्ट है, ये चीज़ें शुरू करती हैं। ठीक है, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देती हैं, जो ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, पर क्या है, कभी भी लड़की शो ऑफ नहीं करती, वो अपने मन में बहुत सी बातें सोचती हैं। अगला पॉइंट है कि हैंडसम लड़के को देखकर उसे खुद के साथ इमेजिनेशन करना। दोस्तों, जिस तरह से ज़्यादातर लड़के काम करते हैं कि अगर कोई लड़की उन्हें अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो वो उस लड़की को देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इमेजिनेशन करते हैं या उसके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना या रोमांटिक बातें करना, इस तरीके से इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह से ज़्यादातर लड़कियाँ भी ये काम करती हैं कि अगर वो किसी स्मार्ट और हैंडसम लड़के को देखती हैं या कोई लड़का उनके पास से गुजरता है तो वो उस लड़के को देखकर उसे खुद के साथ इमेजिनेशन करना शुरू कर देती हैं कि काश वो लड़का उनका बॉयफ्रेंड होता, या जब वो उनका बॉयफ्रेंड हो बन जाए तो वो उन्हें हग करेगा या किस करेगा तो उन्हें कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। तो ये चीज़ें ज़्यादातर लड़कियां सोचती हैं। अगला जो पॉइंट है कि लड़के को देखकर उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना। गर्लफ्रेंड के बारे में इसलिए कि लड़का हैंडसम है तो उसकी कितनी गर्लफ्रेंड होगी, या लड़का रिलेशनशिप में है या नहीं है, या गर्लफ्रेंड है तो कितनी लड़कियां उस पर मरती हैं, कितनी लड़कियों के साथ उसका रिलेशनशिप है। ठीक है, इस तरीके से बहुत से सवाल लड़कियों के दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है, वो उस लड़के को देखकर उसके बारे में बहुत सी बातें सोचने लगती हैं, पर क्या है कि लड़कियां कभी किसी को बताती नहीं हैं कि वो किसी लड़के को देखकर ऐसा सोचती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि लड़कियां जब किसी लड़के को देखती हैं तो उसे देखने के बाद ये गंदी बातें ज़रूर सोचती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।